नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जो कि आपने काफी आसानी से आपके घर के आसपास देखी होगी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इसके इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं कि आप जान के इस वीडियो को देखने के बाद आज से प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में छोटा धतूरा के फायदे बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके फल के भी बहुत जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं, इसके पत्तों के भी बहुत जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं, साथ में इसके पेड़ के, इसकी जड़ के भी बहुत अच्छे औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों, अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित, उम्र से पहले सफेद होने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, किसी भी प्रकार का मूत्र विकार रहता है ना, किडनी में किसी भी प्रकार की स्टोन रहती है, फिर समस्या रहती है, पेट में दर्द होता है, अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। जिनको बहुत ज्यादा बुखार होता है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती है, उनके लिए इससे जबरदस्त वीडियो हो ही नहीं सकती। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि छोटा धतूरा को विभिन्न भाषाओं में किस नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, इसको मदन के नाम से बुलाया जाता है, उन्मत्त के नाम से बुलाया जाता है, शिव प्रिय के नाम से बुलाया जाता है, महामोही के नाम से बुलाया जाता है, कृष्ण धतूरा के भी नाम से बुलाया जाता है, शिव शेखर के नाम से बुलाया जाता है, सविश के नाम से बुलाया जाता है, कनक के नाम से बुलाया जाता है, सादा धतूरा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, फायदे बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या इसके फायदे होते हैं, प्लस किस तरह से इसका प्रयोग करना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अष्टांग हृदयम जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब है, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सुजाक रोग, जिसको हम इंग्लिश में गनोरिया भी बोलते हैं, जो कि एक तरह का यौन संबंधित रोग होता है, अगर आप एक से ज्यादा पुरुष के साथ या फिर एक से ज्यादा महिलाओं के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं तो इससे ये रोग हो जाता है। दोस्तों, इतना भयंकर, इतना खतरनाक रोग होता है कि इसमें इतनी पीड़ा होती है, इतनी सूजन होती है कि आप सोच नहीं सकते। एलोपैथी में इसका कोई भी सटीक इलाज नहीं है, मेडिसिन इसकी दी जाती है लेकिन फिर से दोबारा आ जाता है कुछ समय के बाद में। लेकिन छोटा धतूरा बहुत ही जबरदस्त कारगर जड़ी बूटी होती है इसका सटीक इलाज करने के लिए। चलिए बात करते हैं जिनको सुजाक रोग हो चुका है उसको किस तरह से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, इसकी पत्ती का रस आपको अच्छे से निकाल लेना है, इसको कूट के, इसको पीस के, साथ में हल्के गाय के गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके रस का सेवन करना है। बहुत ही जल्दी 1 से 2 हफ्ते के भीतर भीतर ये सुजाक रोग में काफी ज्यादा लाभ देता है और 1 महीने में इसको क्योर भी कर देता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये वायरल फीवर के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है छोटा धतूरा। चलिए बात करते हैं प्रयोग किस तरह से करना है अगर आपको वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार अगर आपको हो जाता है। दोस्तों, काले धतूरे के बीज को आपको अच्छे से पीस लेना है। आपको काफी आसानी से ये पंसारी की दुकान में भी काले धतूरे के बीज मिल जाते हैं। इसको पीस के आपको चूर्ण बना के इसको रख लेना है एक जगह, किसी भी डब्बे में बंद करके पैक करके। बुखार आने से पहले जब आपको अंदर से फीलिंग आए कि मुझे आज रात को या फिर आज सुबह या फिर कभी भी बुखार हो सकता है, इसका आधा चम्मच यानी कि 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपको खा लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। ये बुखार नहीं आने देता है। दोस्तों, अगले फायदे के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको कोई भी जल्दी वायरस या फिर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोल्ड कफ फीवर नहीं होगा। प्रयोग किस तरह से करना है, वही आपको छोटे धतूरे के जो काला धतूरा होता है उसके बीज ले लेना है, काले वाले, उसको पीस लेना है और 0.5 ग्राम की मात्रा में आपको या फिर 1 ग्राम की मात्रा में हल्के गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये गर्भ धारण करने में, गर्भ ठहरने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। इसके फलों को पीसकर, जो इसके गोल गोल आकार के फल होते हैं, कांटेदार आपने देखे होंगे, जो कि कपड़ों के साथ भी चिपक जाते हैं, इसके फलों को आपको पीस के चूर्ण बना लेना है। सबसे पहले उसको सुखाना है फल को थोड़ी देर के लिए धूप में, उसके बाद उसको पीसना है, उसको चूर्ण बना लेना आपको, और घी के साथ और शहद के साथ मिलाकर खिलाने से गर्भ धारण करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, उम्र से पहले अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं, मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, है ना, 20 साल के होते हैं आप, 25 साल के होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 30-35 के हो गए हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं। अगर आपके 40-45 एज से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स।
इस प्रकार की किसी भी तरह की समस्या के लिए आपको क्या करना है, छोटा दतूरा के जो पत्ते होते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें फूल भी ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं, जो आपको सीजनली उपलब्ध हो जाए। अभी बारिश का मौसम है तो आपको फल मिलेंगे, इसके साथ में पत्ते मिलेंगे, तो आपको पत्ते ले लेने हैं, अच्छे से हवाम दस्ते में आपको इसका पीस के चटनी बना लेनी है, बीच में आपको इसके 2 से 3 चम्मच एलोवेरा की जल मिलानी है, साथ में 2 चम्मच इसमें आंवले का चूर्ण मिलाना है, पाउडर मिलाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना, साथ में 3 से 4 चम्मच आपको खट्टी दही जो होती है, छाछ होती है, वो आपको बीच में मिला लेनी है, और मुल्तानी मिट्टी। दोस्तों ये जो आपका मिक्सचर बन जाएगा, इसको क्या करना है, नहाने से आधा घंटा पहले हफ्ते में 2 दिन आपको बालों में अच्छे से जड़ तक रुई की मदद से, कॉटन की मदद से आपको लगा लेना है, और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बीच में अगर आप चाहें तो महाभृंगराज का तेल, जो कि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर जैसे कि पतंजलि स्टोर हो गया, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा, उसकी भी 3 से 4 बूंदे आप डाल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त होता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जिनको हो चुकी है, जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो चुके हैं, जिनके बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, पतले हो चुके हैं, 2 मुहे हो चुके हैं, गंजापन जिनको बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ही सहायक होता है। साथ में नए बाल उगाने में भी ये काफी ज्यादा मदद करता है, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आप योग प्राणायाम भी साथ में करेंगे, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और बालायाम, जिसकी वीडियोज आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जरूर जाके देखें। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसके जो पत्ते होते हैं चेहरे के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं। अगर आप एलोवेरा के जल 20 ग्राम की मात्रा में लेते हैं, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों की चटनी, छोटे दतूरे के जो पत्ते होते हैं उसकी चटनी, और साथ में उसके बीच में गुलाब जल मिला लेते हैं, और थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं, और बेसन भी मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो ये जो आपका मिक्सचर बन जाएगा, उसको चेहरे पे लगाने से बहुत ही जबरदस्त चेहरे पे नूर आता, चमक आती है, झुर्रियां जिनको रहती हैं वो भी ठीक करने में काफी ज्यादा मदद करता है, पिंपल्स को भी दूर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा जिनको गठिया रोग की समस्या रहती है, गठिया रोग मतलब कि अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो इसके लिए छोटा धतूरा बहुत ही रामबाण औषधि होते हैं। चलिए बात करते हैं गठिया रोग में किस तरह से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों इसके पत्तों को, यानी कि छोटे धतूरे के पत्तों को पीसकर सूती कपड़े में आपको अच्छे से लेप लगा लेना है। पहले तो आप पीसेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, उसकी जो चटनी बन जाएगी उसको किसी भी कपड़े में आपको लेप लगा लेना है। जैसे हम बाजार में जाके डॉक्टर के पास में जाके पट्टी लगवाते हैं ना, अंदर वो दवाई लगाता है पट्टी के ऊपर, वैसे आपको छोटे धतूरे की चटनी लगानी है जो आपने हवाम दस्ते में पीसी थी, और उसी जगह पे लगाना है जहां पे आपको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, गठिया रोग की समस्या रहती है, जोड़ों में होना, घुटनों में होना, तो काफी जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपको गठिया रोग में आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों दांतों के लिए तो इतना जबरदस्त होता है, इतना बेहतरीन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनके दांतों में कीड़ा लग चुका है, जिनके दांतों में सुराख हो चुका है, उनको क्या करना है, छोटे धतूरे के जो बीज होते हैं काले वाले, उनका पाउडर बनाना है हवाम दस्ते में पीस के, या फिर पंसारी की दुकान से भी आप लेके आ सकते हैं। उस पाउडर की आपको छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, टिक्कियां बना लेनी है, टेबलेट्स बना लेनी है, जहां पे जिस जगह आपको दांतों में दर्द रहता है वहां पे इसकी टेबलेट रखने से बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट के भीतर भीतर सेंसिटिविटी से दर्द से आराम मिलता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। 1 महीने के भीतर भीतर आपका ये दांतों का पूरी तरह से दर्द और दांतों का कीड़ा जड़ से बाहर निकाल के फेंक देता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है, आपको काफी ज्यादा आलसपन लगता है, कमर में आपके बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर एकदम कमजोरी अंदर से फील होती है, तो जो काला धतूरा होता है उसका पांचांग का रस निकाल के आप अगर तिल्ली के तेल में, यानी कि तिल के तेल में बीच में मिलाकर रख लेते हैं कुछ दिन के लिए, यानी कि 20 से 25 दिन के लिए, फिर उसी तेल से अपने शरीर की मालिश करते हैं, तो शरीर जो आपका है सांड जैसी ताकत आ जाएगी उसमें। मतलब कि आपकी जो अंदरूनी कमजोरी बहुत ज्यादा आपको हो चुकी है, दुर्बलता बहुत ज्यादा रहती है, कुछ भी काम करने का अगर आपको मन नहीं करता, उसको ये जड़ से खत्म करने में काफी ज्यादा मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में, कैल्शियम की कमी दूर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों आई होप कि आज की जानकारी आपको बहुत ही फायदेमंद लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल।